देवों की ये धरती है जो भारत माँ का आंचल है, जहां पर बसते बद्री नारायण, यही वो उत्तराखंड है। ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि है, ये यही स्थित कुर्मांचल है, जहां पर बसती महाट कालिका, हाँ ये वही उत्तराखंड है, जहां पर बहती पावन गंगा जनमानस की प्यास बुझाती है, जहां पर खड़ा हिमालय सुंदर, यही वो उत्तराखंड का ताज है। ऐसा भारत के आंचल में बसा हुआ ये उत्तराखंड है। अब हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा विकास की देवभूमि, किस तरह से विकास के पथ पर देवभूमि आगे बढ़ रही है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए। ये जानने की कोशिश होगी कि अगला विजन क्या रहने वाला है उत्तराखंड सरकार का। कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे, कुछ देर बाद सीएम धामी खुद हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चाहे सरकार की बात की जाए या फिर प्रशासनिक अमले की बात की जाए, कई जिम्मेदार हमारे बीच होंगे जिनसे हम उत्तराखंड को लेकर चर्चा करेंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो राजनीति को लेकर भी डिस्कशन होगा देवभूमि के विकास के साथ साथ। लेकिन अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं कार्यक्रम की। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, मीनाक्षी सुंदरम, सेक्रेटरी हैं सीएम एंड एनर्जी इस वक्त हमारे बीच। सबसे पहले मैं उन्हें ही मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज मंच पर आए। और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर, सर आप भी प्लीज मंच पर आए। सबसे पहले स्वागत करेंगे जो खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, बुके भेंट कर इनका स्वागत करेंगे और उसके बाद हम अपने पैनल की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विकास की देवभूमि, किस तरह यहाँ पर विकास हो रहा है, अगला विजन क्या है देवभूमि को लेकर, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। देखिए यहाँ पर कृषि मंत्री भी हमारे बीच पहुंचेंगे, उनसे भी हम, क्योंकि किसानों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। और भी खास पहलू यहाँ पर होंगे सर।